हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एशिया के एक ऐसे देश की सैर पर जो कि एक लैंडलॉक देश है। लेकिन दोस्तों, इस देश का इतिहास और इस देश की संस्कृति बहुत पुरानी है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति नजर आएगी। दोस्तों, इस देश की राजधानी की एक खास बात है, यहाँ पर सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से इस कैपिटल को एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बात अलग है कि ये बहुत ही शांत देश है और यहाँ बहुत ज्यादा टूरिज्म नहीं है, लेकिन दोस्तों, प्रकृति से प्यार करने वाले लोग इस देश को जरूर एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये देश है चंगेज खान का देश। जी हाँ दोस्तों, चंगेज खान वही शासक जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है मंगोलिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मंगोलिया दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। मंगोलिया उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन के बीच स्थित है और ये एशिया महाद्वीप में आता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के संस्थापक राजा चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में ही हुआ था, जिन्होंने इतिहास के बाद ब्रिटेन को दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। दोस्तों, मंगोलिया की आबादी की बात करें तो मौजूदा समय में वहाँ 30 लाख लोग ही रह रहे हैं। दोस्तों, ये देश एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। हालांकि मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी सबसे पश्चिम छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से केवल 24 मील दूर है। दुनिया भर की तरह मंगोलिया में भी हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। दोस्तों, महाभारत धारावाहिक को मंगोलिया भाषा में डब करके वहाँ टीवी पर प्रसारित किया जा चुका है। हालांकि वहाँ रहने वाले मंगोलिया की संख्या बहुत ही कम है। 30 लाख की आबादी में लगभग 200 भारतीय हैं। इस देश की राजधानी उलान बटोर की बात करें तो दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी है। दोस्तों, सर्दियों में यहाँ आइसक्रीम कागज के बॉक्स में रखकर बेची जाती है ताकि खाने लायक बनी रहे। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बटोर है, जहाँ देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी रहती है। इस देश में जमीन की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, इस देश में 1.6 मिलियन किलोमीटर जमीन पड़ी है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी काफी कम है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारतीयों का प्रभाव भी काफी नजर आता है। दोस्तों, जनवरी के महीने में यहाँ पर तापमान -36 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दुनिया का सबसे छोटा शेयर बाजार उलान बटोर में ही है। दुनिया की घोड़ी की सबसे बड़ी प्रतिमा भी इसी शहर में आपको दिखेगी, जिस पर बैठे हुए चंगेज खान की प्रतिमा आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर प्रतिमा 131 फुट ऊंची है। दोस्तों, इसलिए अक्सर सर्दी के मौसम में सैलानियों को यहाँ आने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, मंगोलिया को नीले आसमान की जमीन यानी कि लैंड ऑफ द ब्लू स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष में 260 दिन धूप निकलती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगोलिया में घोड़ी का दूध पिया जाता है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि घोड़ी का दूध पीने से शरीर हर समय ऊर्जावान रहता है। जहाँ पूरी दुनिया के लोग एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, तो वहीं मंगोलिया में लोगों को खाना बदोश जीवन ज्यादा पसंद आता है। मंगोलिया के लोग फसल या चारागाह के लिए भूमि का दोहन करने के बजाय पशुओं को लेकर प्राकृतिक घास के मैदानों की ओर चले जाते हैं। ये जमीनें खेती के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। दोस्तों, मंगोलिया की जनसंख्या में 98% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ आपको बता दें कि मंगोलिया में पहला बौद्ध मंदिर 1586 में बनाया गया था और यहाँ बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव नजर आता है। जापान के टोक्यो में मिजी यूनिवर्सिटी की जलवायु वैज्ञानिक मोरिनागा के मुताबिक मंगोलिया के ज्यादातर लोग जमीनों के मालिक नहीं हैं। इस वजह से उनमें पर्यावरण को लेकर जबरदस्त समझ पैदा हो गई है। उनका मानना है कि पशु हमारे हैं, जमीन तो सारी हमारी है ही। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंगोलिया में जमीन ज्यादा है और लोग बहुत ही कम। दोस्तों, हालांकि मंगोलिया में घूमने के लिए ज्यादा लोग नहीं आते, ये बहुत बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी नहीं कहलाता, लेकिन फिर भी यहाँ के उलान बटोर जो कि इस देश की राजधानी है, उसे बहुत लोग एक्सप्लोर करते हैं। आपको तो पता ही है कि यहाँ इतनी ठंड होती है ठंडों में कि हाड़ कांप जाए। दोस्तों, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी के साथ साथ एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है। आप यहाँ पर एक आरामदायक जीवन बिता सकते हैं। यहाँ के लोगों की जीवन शैली थोड़ी सी अलग है। चौड़ी सड़कें आधुनिक कारों से भरी रहती हैं, जबकि घुड़सवार और मवेशी अभी भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए।
दोस्तों, देश की लगभग आधी आबादी का घर है उलानबटा। साथ ही इसका सांस्कृतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है। गोल्डन क्रेडल की रमणीय नामिक घाटी में स्थित है, उस बिंदु पर जहां सेल्बे और तुरुन नदियां मिलती हैं। दोस्तों, वैसे यह शहर थोड़ा सा डरावना भी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ आकर्षक पुराने मठ भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको संग्रहालय भी देखने को मिल जाएंगे। उलानबटार वास्तव में धन्य है और बेहद ही खास जगह। यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो दुनिया में शायद कहीं ना मिलता हो। साथ ही इसे बोग खान, विंटर पैलेस और मंगोलिया नेशनल मॉडर्न ऑफ गैलरी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोबी रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि यहाँ पर ही है। गोबी में सबसे लोकप्रिय यात्रा मार्गों में से एक है अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता। ऊंचे पहाड़, झरने, जंगल, रेत, सीढ़ियाँ, बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ईगल घाटी की सुरम्य घाटी, विशाल रेत के टीले और भी बहुत कुछ है जो यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको आज भी डायनासोर के जीवाश्म नजर आ जाएंगे, जो कि अपने आप में ही एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। इसी के साथ दोस्तों, ये है टेरेलस नेशनल पार्क। टेरेलस नेशनल पार्क मंगोलिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले दिलचस्प राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता, जंगली अल्पाइन पहाड़ और दिलचस्प चट्टान की संरचना आपको पसंद आएगी। यहाँ पर आप टर्टल रॉक, साथ ही अरियाबल मंदिर और खानाबदोश परिवारों को भी देख सकते हैं। गर्मियों के दौरान लंबी पैदल यात्रा, घुड़सवारी, रॉक क्लाइंबिंग, फूल और पक्षी देखने का एक बेहतरीन अनुभव आपको यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों, इसे देखने के लिए तो दुनिया के दूर दूर से लोग आते हैं। चंगेज खान की प्रतिमा, ये प्रतिमा वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि 40 मीटर ऊंची घुड़सवारी प्रतिमा है। ये 54 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क द्वारा उलान बटार से जुड़ा हुआ है। ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे और बहुत सारी शॉपिंग के लिए शॉप्स भी। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आप घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं और बेहतरीन मजा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ खूबसगुन झील, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। बेकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे साफ पानी की झील यही तो है, जिसका नाम है खूबसगुन झील। 136 किलोमीटर लंबी है ये, 36 किलोमीटर चौड़ी है और 262 मीटर गहरी है। खूबसगुन झील घने देवदार और लार्ज जंगलों से ढकी राष्ट्रीय पहाड़ियों से घिरी हुई है, जहाँ क्षेत्र का अनोखा ही दृश्य नजर आता है। झील के नजदीक आपको पहाड़ी जंगल भी देखने को मिलेंगे। अगर आप कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, आई होप दोस्तों चंगेज खान का ये देश आपको पसंद आया होगा। इस देश की खूबसूरती को आपने करीब से देखा होगा और जाना होगा। आपको ये देश कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या वाकई आप इस देश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और स्क्रीन पर जो एक नई वीडियो आपको दिख रही है, जल्दी से उस पर भी क्लिक कर दीजिए।